अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। चमान के फ्लाईओवर का जो एक्सटेंशन का काम था वो काम पिछले 4-5 दिन पहले मुकम्मल हो चुका था और 23 तारीख को ही इसका का अमल में आने वाला था और प्रोग्राम था, लेकिन इसको पोस्टपोन करते हुए आज जो है तारीख मुकर्रर की गई है। आज इसका जो है सदा अल्हम्दुलिल्लाह नकीब मिल्लत अली जनाब आज साहब सदर फिल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद अली जनाब अमीर मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना तेलंगाना असम्बली मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी की मौजूदगी में जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना रियासत के हाथों जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ चुका है। आज की इफ्तिताह तकरीब में मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब महमूद अली साहब के अलावा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे के तमाम कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे और आवाम का काफ़ी हजूम भी आज की इस महफिल में था और जोश व खरोश आवाम में देखा गया और काफ़ी खुशी का माहौल था, क्योंकि काफ़ी दिनों से चंद्रान गुट्टा इस ब्रिज की एक्सटेंशन के तामीर के काम के वजह से ट्रैफिक का जो है काफ़ी लोगों को जो है प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका अजाल हुआ, आज इसका जो है खात्मा हुआ। आज से इंशाल्लाह जो लोगों को तकलीफ़ थी वो सारी की सारी तकलीफ जो है दूर हो जाएगी। अगर हम ईमान से अगर पूछा गया तो मुझसे तो मैं ये कहूँगा कि ये काम ये कारनामा अगर हकीकी तौर पर अमली जामा अगर ये पहना गया है अगर ये मुकम्मल हुआ है तो इसका सारा सेहरा नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जाता है, क्योंकि 45 करोड़ से ज़्यादा की लागत से ये जो है इसका एस्टिमेशन कॉस्ट हुई और इसको जो मंजूर करवाना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। न सिर्फ इसको मंजूर करवाया बल्कि शब रोज़ मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपनी रास्त निगरानी में अपने कारपोरेटरों को मुतहरिक करते हुए इस काम को जो है मुकम्मल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ब्रिज का काम मुकम्मल हुआ, यहाँ पर वो लैंड होगा और दूसरा हाशमाबाद से यानी नफीस गार्डन से लेकर जो है जहांगीराबाद की जो एंट्रेंस है वहाँ पर वो ब्रिज का जो है लैंडिंग होगी। ये दो ब्रिज का तकरीबन अगर जो एस्टिमेशन कॉस्ट देखी जाए तो उन दोनों ब्रिजों की 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत से वो एस्टिमेट बन रहा है और इंशाल्लाह वो एस्टिमेट का काम और वो जो प्लान पूरा बनने के बाद आरडीपी मुड़ी मुकम्मल होने के बाद हुकूमत से जल्द अज जल्द नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की मौसम नुमाइंदगी के नतीजे में उसको भी मंजूरी ली जाएगी। मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार मोहतरम नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को तमाम चंद्रान गुट्टे की आवाम की जानिब से दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके साथ साथ जो है तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ साथ हुकूमत